नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इस बुलेटिन के माध्यम से आइए नजर डालते हैं दिनभर की खबरों पर। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। यातायात पुलिस द्वारा यातायात थाने के सामने चेकिंग अभियान चलाया गया। शनिवार को चलाए गए इस चेकिंग अभियान में खासतौर पर दोपहिया वाहनों की चेकिंग की गई, जिनमें बिना हेलमेट और बिना कागजात के और साथ ही साथ दोपहिया वाहनों में 3 सवारी बिठाए हुए लोगों के चालान किए गए। इसके अलावा कुछ 4 पहिया वाहनों के चालान भी हुए। कुल मिलाकर लगभग 20 चालान इस दौरान किए गए, जिनमें 4500 रुपये राजस्व आया है। ट्रैफिक सूबेदार गैलेंद्र सिंह और ट्रैफिक की पूरी टीम इस मौके पर मौजूद रही। भोपाल, जैसे कि पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा समय समय पर यातायात नियमों को पालन कराने के लिए इसी उद्देश्य के लिए हमने आज छतरपुर यातायात थाने के सामने वाहनों की चेकिंग को लगाया। इसमें 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर और हैवी वाहनों पर चालानी कार्रवाई की। समथिंग 20 वाहनों पर 4700 वसूल कर चालानी कार्रवाई की गई। हेलमेट वगैरह और जो 3 सवारियाँ हैं, लाइसेंस वगैरह चेक किया गया और बाकायदा लोगों को समझाइश दी गई कि 3 सवारी ना बैठें और क्या कहते हैं हेलमेट लगा के अपना और अपने जान माल की रक्षा करें। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। महाराजपुर थाने के अंतर्गत बर्रोही तिराहे पर ढाबा का जो मामला है वो अभी भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। एसपी के सामने अब ये मामला आया है। अशोक चौरसिया, जो कि ढाबा संचालक है, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उनके बेटों के साथ मारपीट की गई है और आए दिन गाली गलौज की जाती है। पुलिस अधीक्षक को दिए आवेदन में बताया कि संत राजा सहित 3 लोगों ने उनके बेटों के साथ मारपीट की है। इस मामले को लेकर एसपी ने भी महाराजपुर थाना प्रभारी को फटकार लगाई। चूंकि मामला कई दिनों से लगातार उछल रहा है, पिछली बार मारपीट के मामलों में सामान्य धाराओं पर मामला दर्ज कर लिया गया था, इसी वजह को लेकर पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना प्रभारी को फटकार लगाई गई। मैं श्रीमान जी, यहाँ बर्रोही तगैला पर ढाबा की हूँ। शुक्रवार की रात को 10:30-11 बजे मेरे दोनों लड़के ढाबा पर थे। करीब 10-12 लोग आए, एकदम से हमारे दोनों लड़कों को मारना पीटना स्टार्ट किया और जो कुछ था हमारे ढाबा में सारा टीवी, फ्रिज और कूलर सब तोड़ गए। दोनों लड़कों के मोबाइल ले गए, 20-22 हज़ार रुपये ले गए और जान से मार के, एक हिसाब से जान से मार के डाल गए वो। फिर आपने क्या किया तब? जब हमको वहाँ नवल सिंह दाऊ रहते हैं वहीं बर्रोही तगैला पर, तब उनने हमको फ़ोन किया कि यहाँ झगड़ा हो गया है। तब मैं यहाँ से गया सीधा महाराजपुर थाने लेके आए लड़कों को, लाद के महाराजपुर पुलिस ने भगा दिया। कह रहे कि जहाँ जाना हो जाओ, यहाँ से छतरपुर जाओ, यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं महाराजपुर अस्पताल आया, वहाँ से भी छतरपुर भगा दिया। फिर मैं जब छतरपुर हॉस्पिटल आया तब वहाँ मेरे लड़कों की मरहमपट्टी हुई। मेरे एक लड़के का 2 जगह से हाथ टूटा है, एक लड़के के सर में 8 टाँके आए हुए हैं, एक के 4 टाँके आए हुए हैं। कोई रिपोर्ट नहीं की लूट और इसके बाद मैं थाना महाराजपुर गया। मैंने कहा श्रीमान जी मेरी FIR लिखो, तब वो बोलते हैं ठीक है लग जाएगी तुम्हारी। तब उनने अभी हमको 2 दिन पहले FIR दी है। ना तो इसमें लूट की धाराएं लगाई हैं उनने, ना कोई ऐसी धाराएं लगाई हैं कि जो उचित हो। हमको ये लग रहा है कि पुलिस ने पैसे लेके और उन लोगों से मिलकर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। बाकी कैसे लोग हैं गांव के, दबंग लोग हैं? हाँ, दबंग लोगों के साथ घूम रहे हैं वो। मनकारी के भैया राजा हैं, मनकारी के राणा साहब हैं, बड़ोरक के संत राजा हैं और सेवड़ी के सानू राजा हैं, राहुल नायक है और टटम के अरविंद सिंह हैं। ये सभी दबंग लोग हैं और सबके यहाँ फोन आ रहे हैं कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। कहाँ पर आए हम? SP ऑफिस आए हैं आवेदन देने। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। खबर नौगांव से। यहां पर अलीपुरा थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम बड़ा गांव में एक महिला द्वारा अपने घर पर फांसी लगा ली और जीवन लीला समाप्त कर दी गई। इस वक्त महिला ने फांसी लगाई, उस दौरान उसका पति ट्रैक्टर सुधरवाने के लिए नौगांव गया हुआ था और 6 साल की बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। खेलने के बाद जैसे ही बच्ची घर पर पहुंची, उसने कमरे में मां को देखा और कमरे में ना पाए जाने पर अटारी में गई और वहां पर देखा कि मां उसकी फांसी के फंदे से झूल रही है। पड़ोसियों को सूचना देने के बाद पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। इस मामले में मृतका 32 वर्षीय रामदेवी के पिता का कहना है कि उसका देवर अरविंद यादव उसके साथ अक्सर मारपीट किया करता था। मामला संदिग्ध होने की वजह से पुलिस ने जांच में ले लिया है। क्या हुआ आपकी पत्नी को? फांसी लगा ले। कैसे लगा ली फांसी? मालूम नहीं है। कहाँ गए थे उस वक्त आप? ट्रैक्टर से कहाँ? घर पे कौन था?
छोटी मोड़ी। तो मैं कैसे मालूम पड़ा कि फांसी लगा ली? छोटी मोड़ी वहाँ से आई, उन्हें मम्मी मम्मी बोली, यहाँ कोई नहीं था, जब बाहर सोने लगी यहाँ डाक हुई है। उसे हमारे वजन वहाँ पहुँचते हैं, खेत में बने हैं, मकान बने, वहीं रात दे लोग वहाँ लोग फोन आया था, हम गए थे। हाँ, ग्राम बड़ा गांव की श्रीमती रामदेवी, पति का नाम उसका भान सिंह यादव, उम्र करीब 32 वर्ष निवासी बड़ा गांव, उसका मायका जो है बंदी कला थाना ईशा नगर अंतर्गत की महिला थी, उनकी ससुराल बड़ा गांव में थी। प्रथम दृष्टया फांसी लगाने से उसकी मौत हुई है, फिर भी परिजनों को संदिग्ध प्रतीत होने से, क्योंकि लाश का पैर जमीन पर टिक गए थे और उसके कमर तक टिक गए थे, तो उसमें पंचनामा के बाद मायके पक्ष और ससुराल पक्ष के समक्ष पंचनामा कार्रवाई करने के बाद पीएम के लिए नौगांव सीएससी अस्पताल भेजा गया है। और पीएम रिपोर्ट आने के बाद पीएम रिपोर्ट में क्या तथ्य आते हैं और मायके पक्ष के बयान के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। 21 जून यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर खजुराहो के पश्चिम समूह मंदिर प्रांगण में देशी और विदेशी सैलानियों द्वारा मिलकर योग किया गया। इस दौरान योग गुरु सुदर्शन द्विवेदी द्वारा सभी को योग कराया गया। भारत पर्यटन इंदौर द्वारा इस योग दिवस के मौके पर योगाभ्यास का आयोजन किया गया था, जिसमें सहायक निदेशक भारत पर्यटन इंदौर आर के मिश्रा, एमपी समाधिया, क्षेत्रीय प्रबंधक मध्य प्रदेश पर्यटन खजुराहो और इसके अलावा अन्य लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। ब्रह्म कुमारी आश्रम के सदस्य भी इस मौके पर शामिल रहीं। पांचवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम खजुराहो में जैन परिसर में मना रहे हैं, क्योंकि अब की बार ऊर्जा का संचालन खजुराहो में आचार्य श्री विद्यासागर जी के आशीर्वाद से हुआ और मैंने ये कार्यक्रम की शुरुआत पश्चिम मंदिर से की थी, चित्रगुप्त मंदिर के सामने बड़ा भव्य कार्यक्रम रखा था। उसके बाद दो और मैंने कार्यक्रम विदेश में किए, चौथा कार्यक्रम यहाँ पे सस्ती की मड़िया में हुआ था और पांचवा यह कार्यक्रम हम जैन परिसर में रख रहे हैं। यहाँ हमारे पूरे हिंदुस्तान से बुद्धिजीवी आए हैं जो योग के मंदिरों के बारे में बताएंगे, योग के संबंध। खजुराहो योग की बहुत बड़ी राजधानी रह चुकी है। आज हमारे सरस्वती शिशु मंदिर के बच्चे बच्चियों द्वारा सूर्य नमस्कार यहाँ पे सिखाया गया और इस सफल कार्यक्रम के लिए हम सभी नगरवासी एवं योग प्रेमियों को धन्यवाद देते हैं। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है, मैं हूं सौरभ शुक्ला। चलिए नजर डालते हैं आज की खबर पर। छतरपुर जिले के नौगांव में पदस्थ नायब तहसीलदार द्वारा पुलिस थाने में एक आवेदन दिया गया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि एसडीएम कार्यालय में पदस्थ कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा विगत 19 जून की रात उनके घर में घुसकर उनसे अभद्रता की गई एवं उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई। नौगांव पुलिस ने महिला नायब तहसीलदार की रिपोर्ट पर नौगांव एसडीएम के ऑपरेटर आदित्य पाठक के विरुद्ध हरिजन एक्ट एवं 307 के तहत मामला दर्ज किया है। नायब तहसीलदार ने आवेदन में आरोप लगाया है कि ऑपरेटर आदित्य पाठक काफी दिनों से उन्हें परेशान कर रहा था, जिसकी शिकायत उनके द्वारा अपने परिजनों एवं आदित्य के परिजनों से भी की गई थी, लेकिन तब से वह और परेशान करने लगा। विगत 19 जून को रात 12 बजे बंगले के अंदर दीवार फांदकर वह घुसा और छत से चढ़कर उसके कमरे में पहुंच गया जहां वे सो रहे थे। आदित्य पाठक एक हाथ में चाकू और एक हाथ में कट्टा भी लेता गाली गलौज करते हुए उनके साथ अभद्रता की एवं जान से मारने की कोशिश की। आज तहसील कार्यालय में पदस्थ एक महिला अधिकारी के द्वारा एसडीएम कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर आदित्य पाठक के द्वारा 19 तारीख को रात में उनके घर में घुसकर जान से मारने का प्रयास की प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेकर आई है, जिसमें धारा 307 के साथ हरिजन आदिवासी अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराओं का उपयोग किया गया है, पटक पंजीबद्ध किया गया है, बेचना की जा रही है। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला।
बुंदेलखंड कुर्मी क्षेत्रीय समाज समिति द्वारा मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। ये सम्मान समारोह देवी रोड पर स्थित एक मैरिज हाउस में हुआ, जिसमें 110 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। ऐसे छात्र छात्राएं जिन्होंने एमपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में 80 या इससे अधिक प्रतिशत अंक लाए हैं, उन सभी छात्र छात्राओं को मंच से स्मृति चिन्ह और मेडल दिए गए। इस मौके पर अतिथि के तौर पर रिटायर्ड डीएसपी लखनऊ ज्ञान सिंह पटेल, शिवशंकर पटेल, देवीदेन पटेल सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित थे। यहाँ पर विशेषज्ञों द्वारा छात्र छात्राओं को आगे के कैरियर चुनने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सलाह भी दी गई। समाज के जो प्रतिभावाली छात्र छात्राएं हैं, जो हाई स्कूल और इंटर में 80% से अधिक अंक जिनने प्राप्त किए हैं, उनको प्रशस्ति पत्र और गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जा रहा है। और समाज के जो युवा और बुजुर्ग हैं, उनको उनसे मार्गदर्शन लेकर के समाज के लिए जो कार्य अधिक से अधिक हो सकें वो उसके लिए अपन डेट और उसके तारतम्य में जो कार्यक्रम रखा गया है, इसमें हमने 110 छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और गोल्ड मेडल से सम्मानित किया है। समाज के जो पटेल समाज है छतरपुर जिले में और अन्य जिले में, उनको अपन जागरूक करते हैं कि जो समाज में जो कुरीतियाँ फैली हैं वो शिक्षा का उद्देश्य हो, अच्छी जगह एक स्कूल में पढ़े और अच्छी जगह सर्विस में जाए, इसी का उद्देश्य है कि अपन हर विभाग के अतिथि आए हैं अपने अपने विभाग से समझाने के लिए कि उस विभाग में इसका विभाग अलग है और वेटनरी विभाग से है, शिक्षा विभाग से है, SDOP है, सभी विभागों का मार्गदर्शन मिला सभी समाज के लोगों को। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। सेवा ही संकल्प का ध्येय लेकर शहर के कुछ युवाओं द्वारा नगर के उपेक्षित पड़े स्थानों को सुंदरतम रूप दिया जा रहा है। अपनी कला के माध्यम से उनको सजाया संवारा जा रहा है। नवदीप पाटकार, जो कि समिति के संयोजक हैं, अपने गुरु दिनेश शर्मा के मार्गदर्शन में युवाओं की टीम बनाकर इस तरह के स्थानों को चिन्हित कर रहे हैं और वहाँ उन स्थानों को सुंदरता प्रदान कर रहे हैं। इसकी शुरुआत सांतरी तलैया से हुई। बताया जा रहा है कि इसके पूरे जो दीवारें हैं उनको रंगा जाएगा। शुरुआत सबसे पहले तलैया के बीच में स्थित एक कुएं से हुई, जहां पर सबसे पहले उसको पोत कर वहां पर कलाकृतियां बनाई गईं और अब उसे एक सुंदर रूप दिया गया है। इसके बाद अब सांतरी तलैया की बाउंड्री पर भी इसी तरह की कलाकृतियाँ उकेरी जाएंगी। इस पूरी टीम में कृष्णकांत मिश्रा, लखन अहिरवार, दीपेश सोनी, अंकित मिश्रा, शिवम तिवारी, कुलदीप पाटकर, यश सोनी, अभिदीप सोहाने सहित बड़ी संख्या में युवा शामिल हैं। एक टीम काम कर रही है। भोपाल आज देश की चुनिंदा साफ सिटियों में आता है, इसीलिए हमने देखा कि यार कारण क्या है वहाँ का। कारण ये है कि वहाँ एक बहुत अच्छी टीम काम करती है, आई टीम नाम की। वो क्या करती है कि शहर के उपेक्षित स्थानों को चुनती है, उपेक्षित स्थानों को चुनकर उन पर जाती है, साफ सफाई करती है और वहाँ पे जाके गेवरी और चूना या फिर उस कलर के डिस्टेंपर से वहाँ पे रंग रोगन कर देती है, पेंटिंग बना देती है, जिससे प्रेरणादायक वहाँ पे स्थान भी हो जाता है और वहाँ की सफाई भी हो जाती है। और ये काम जो है लगातार संडे से संडे, संडे टू संडे या कोई भी लगातार किया जाता है। हम लोगों ने भी ठाना कि हमें भी ऐसा कुछ अपने क्षेत्र के लिए, अपने शहर के लिए करना चाहिए। हम लोगों ने सेवा ही संकल्प ग्रुप बनाया, अपने 10-15 लोग जो हैं सब मिलकर एक विचारधारा के साथ आगे बढ़े और सेवा को ही संकल्प धारण करके और बस जुट गए। आज हम लोगों ने सोचा कि शुरुआत की जाए, आज पहला संडे है हम लोगों का, पहला दिन है, तो हम लोग आए इधर और शांति तलैया में जो यहाँ अभियान काफ़ी दिनों से चल रहा था उसी के तारतम्य में पीछे स्थान में कुआँ जो है आज हमने कुएँ के किया और दीवार को भी प्रारंभ किया। यहाँ हम लोग शुरुआत में अभी प्रतिदिन आएंगे, प्रतिदिन कोशिश करेंगे यहाँ पे और बाकी उसके बाद ये अभियान निरंतर चलेगा और हर संडे हम लोग शहर के ऐसे उपेक्षित स्थानों को चुनेंगे जहाँ की स्थिति गंभीर है, वहाँ पर जाएंगे, साफ सफाई करेंगे और उनका रंग रोगन करके उस स्थान को एक नया रूप देंगे। क्या है आज पहले दिन की शुरुआत है आपको? जी आज पहले दिन की शुरुआत है और पहले दिन की शुरुआत हमने यहीं से उचित माना क्योंकि यहाँ अभियान बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है, मैं हूँ शिवेंद्र शुक्ला। 12 से 22 तक चलने वाले अतिक्रमण अभियान का जो हश्र पहले से लोगों ने सोच कर रखा था
वो बिल्कुल सही साबित हुआ है। अभियान कहने को तो यूं 12 तारीख से लेकर 22 तक चला, लेकिन दृढ़ संकल्प ना होने की वजह से और सख्ती व कड़ाई ना होने की वजह से हालात जस के तस नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि एक मीटिंग के बाद शहर में फैले अतिक्रमण को हटाए जाने के लिए राजस्व विभाग, यातायात पुलिस और नगरपालिका के अधिकारियों के नेतृत्व में एक अतिक्रमण अभियान चलाया गया था, जिसमें छत्रसाल चौराहे, चौक, बाजार, बस स्टैंड और अन्य जगहों पर से अतिक्रमण हटाया जाना था। क्रमशः इस अतिक्रमण को हटाने के लिए शुरुआत में बड़े बड़े अधिकारी जैसे कि CMO, SDM, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और यातायात प्रमुख शामिल रहे, लेकिन जैसे ही 2-3 दिन गुजरे इसके बाद अधिकारियों ने कन्नी काटना शुरू किया और उसके बाद बाकी टीम भी केवल औपचारिकता करके निकलना शुरू हो गई। इसके बाद फिर वही हश्र हुआ जो होना था। जैसे जैसे टीम आगे बढ़ती गई वैसे वैसे दुकानदारों ने वापस अतिक्रमण सड़क पर पसार लिया। अब हालात जैसे पहले थे वैसे ही बन चुके हैं। ऐसे में यूं समझ में आ रहा है कि छतरपुर शहर को शायद बेसहारा छोड़ दिया है, अपने हाल पर छोड़ दिया है कि जो जैसा है वैसा ही चलने दिया जाए, आंख मूंद कर सिर्फ सत्ता और प्रशासनिक सुख सुविधाओं की मलाई चाटी जाए। खबर दिन भर में आप देख रहे थे दिन भर की खबरें, जिले भर की खबरें लगातार हर घंटे देखने के लिए बने रहिए पेप्टिक टाइम पर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।